हाँ नमस्कार बच्चों, अध्याय 16 में अगर आपको याद होगा पिछली बार हमने ये क्यूब और क्यूबॉइड आप लोगों को समझाए थे। हो सकता है दूर से भी छोटे दिखाई दें आप लोगों को, ठीक है। और ये इस तरह से घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान थी, क्यूब इसको बोलते हैं। तो इन्हीं के बारे में ज्यादातर आज सवाल है। 16.1 निकाल लीजिए। जनरल बातें हम पिछली क्लास में कर चुके थे, तो एक्सरसाइज 16.1 और पेज नंबर 261 संयोग देखिए 161 का फिगर बन रहा है 16.1 का, पॉइंट हटाएं तो, और यहां 261 है। 261 यस, समझिए सवाल नंबर एक क्या है इसका। आइए हम बोल के बता दें जरा। एक घनाब, बच्चों सवाल के उत्तर में थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी, हल्का फुल्का थोड़ी सी उत्तर में गड़बड़ है इसमें। एक घनाब 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। कौन? घनाब। तो घनाब का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है एवं आयतन भी ज्ञात करना है। आइए आप और हम मिलके इसे हल करें। 12, 9 और 5 सेमी में दिया है, एल बी और एच यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। पहला सवाल हमारे को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। बात घनाभ की हो रही है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आप लोगों को याद होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL यानी 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 यहां L की जगह 12 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 12। आइए गुणा करें, 12 नाम 108, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60। अगर इन दोनों को जोड़े 105 यहां हो गया, 108 यहां है, 8 और 5 13 है, तो ये हुआ 213। 8 और 5 13 का 3 हसल लगी, 1 6 और 1 7 और 4 11 का 1 हसल लगी, 1 इस तरह से। तो ये 426, चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी हम लिखेंगे। आंसर शीट में 416 है, 416 बदल लीजिए उसको, 426 होगा। जहां तक घनाभ के आयतन की बात है, घनाभ का आयतन सूत्र आप सभी को मालूम है, LBH अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 12 गुणा 9 गुणा 5। बच्चों यहां एक बात बतानी है, आप 12 को 9 से गुणा करके 5 में तो तकलीफ पाओगे। आप पहले 12 को है ना 5 से गुणा करने की सोचो, 12 पंजे 60 तो 6 और 1 0 है ना, 9 6 54 540 जल्दी पहुंच जाओगे। 540 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी भी लिख सकते हैं। तो ये 2 उत्तर थे इस सवाल के, उतार लीजिए जल्दी से।
यस बच्चों, सवाल नंबर दो की तरफ हम अग्रसर हैं। तीन गहनों की भुजाएं, तीन क्यूब है हमारे पास में, 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तीन घनों को पिघलाया और एक घन बनाया। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाद में ज्ञात होगा, पहले हमारा नए जो घन बनाए ना उसकी भुजा ज्ञात होगी। ठीक है, तो यहां क्या है बच्चों, ये जब भी पिघलाया जाता है ना किसी चीज को, तो वहां आयतन की जरूरत होती है। किसकी? आयतन, क्योंकि वो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, तो जितना भी उसमें मेटल था वो पिघल के बिल्कुल लिक्विड में बदल गया, तरल हो गया। तो यहां क्या करेंगे हम सवाल नंबर दो में, पहले घन की भुजा यानी साइड नंबर एक, भुजा क्यूब इसका आयतन होता है ना बच्चों, तो हम डायरेक्ट आप लोगों को बता देते हैं, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन क्या होगा, वो पहले वाले का क्यूब यानी कि किसका, 8 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, फिर 1 का क्यूब। कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये 8, 6 और 1 कहां कहां से ढूंढ के लाए। एक्चुअल में इन तीनों का क्यूब जोड़ने पे 729 आएगा, जो कि कोई क्यूब है, और यूं आलतू फालतू नहीं देंगे आप लोगों को, तो सोच के दिए गए हैं। इसका क्यूब है 512, इसका क्यूब 216 और इसका क्यूब 1। आइए जोड़े, 6 और 2 8 और 1 9, इधर 2 इधर 7, आया ना फिगर 729। ये भी क्यूब है किसी का, इसलिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं। और इधर हमने भुजा क्यूब का इसका सूत्र सामने कर दिया, नए घन का आयतन है ये। तो जो भुजा ज्ञात करते हैं ना बच्चों, तो ये क्यूब इधर जाके क्यूब रूट बन जाता है, घनमूल, ये इस तरह का चिन्ह होता है इसका 729। और आप लोग सभी जानते हैं 729, 9 × 9 × 9 होता है, तो इसका घनमूल 9 आ गया सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें सभी माप हमें सेमी में दिए गए थे, इसलिए 9 सेमी। ये तो आया भुजा। अब हमारे को ज्ञात क्या करना है, नया जो घन बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा स्क्वायर, तो 6 × 9 का स्क्वायर, तो 6 × 81, तो 6 × 6 = 48, 486 सेंटीमीटर क्यूब, 486 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर शीट में 486 सेंटीमीटर, एक मिनट जरा, स्क्वायर लगेगा जो क्यूब नहीं यहां पे, पता है क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, आयतन तो यहां था, क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर कीजिए। अब आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि सर यहां तो क्यूब हो गया था, क्यूब हो गया था, तो सेंटीमीटर क्यूब हुआ था, फिर ये सेंटीमीटर कहां आ गया। एक्चुअल में ये क्यूब रूट जो होता है ना घनमूल, ये 729 का तो 9 हुआ ही है, वो जो सेंटीमीटर क्यूब चल रहा था ना उसका घनमूल भी सेंटीमीटर बन गया बेचारा। जैसे एक्स क्यूब का एक्स, ए क्यूब का ए, बी क्यूब का बी, आदि आदि। उतार लीजिए सवाल नंबर दो। सवाल नंबर तीन के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं।
यस बच्चों उतारने पे ध्यान दीजिए, तब तक हम सवाल नंबर तीन के बारे में सोच रहे हैं। सवाल नंबर तीन में कहा है, एक संदूक की माप 50 सेमी गुणा 36 सेमी गुणा 25 सेमी है, इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। बच्चों इस सवाल में हमें कोई अंदर और बाहर के बारे में कुछ भी नहीं कहा, वैसे भी कवर लगवाना है तो बाहर ही कवर होगा, और निश्चित रूप से ये माप भी हमें बाहर की दी गई होगी, नहीं तो जैसे सवाल नंबर पांच में दिया है बगर ढक्कन का एक बक्सा, तो उसमें बाहरी नाप वगैरह दी हुई है, उसी तरह से हम सवाल नंबर तीन करते, लेकिन यहां चूंकि अंदर और बाहर के लिए कुछ नहीं बोला तो हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जब भी कवर बनवाना है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है। सवाल नंबर तीन, एक संदूक की माप, तो इसमें पहला लंबाई दिया रहता है, दूसरा चौड़ाई और फिर ऊंचाई, जनरली ऐसे ही दिया रहता है, हमने लिख दिया 50 सेमी 36 सेमी और 25 सेमी। अब कह रहा है संदूक को कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB प्लस BH प्लस HL। आइए मान लगाएं, हां 2 लंबाई की जगह 50 गुणा 36 प्लस 36 गुणा 25 और प्लस 25 गुणा 50, क्रम से चलते रहिए, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा वापस पहले से, और ये गुणा तो बेहद आसान है बच्चों, 36 को इससे गुणा किया 1800, 36 को 25 से गुणा किया 900, इसको इससे गुणा किया 1250। आइए जोड़े, 50 यहां आए, 2 और 9 11 और 8 19 का 9 एक हंसल की, 1 और 1 2 और 1 3 3950, इसको 2 से गुणा करना है 7900। यूनिट की जहां तक बात है सेंटीमीटर में हमें दिया गया था और यह क्षेत्रफल का मामला है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और वर्ग सेमी भी लिख सकते हो, ये अक्सर हमने आपको बोला है वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, आंसर शीट में यही है बच्चों, उतार लीजिए सवाल नंबर तीन। तो ऐसे हर एक सवाल आप लोग किया करो बच्चों, इनमें स्ट्रांग होना है तो, और जो 17वीं एक्सरसाइज है ना माध्यक बहुलक वगैरह वाली, वो 6 नंबर का सवाल देगी बच्चों, उनको QR कोड से जरूर देखिए, उसमें हमारे तीनों जगह पे बहुलक के भी वीडियोस आप लोगों को दिखाई देंगे, माध्यक के भी दिखाएंगे और माध्यक के भी दिखाई देंगे, तो उससे भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 7900 वर्ग समय, उससे पहले 486 वर्ग मीटर था उसमें, पिछले वाले में मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों इसमें सवाल नंबर दो में ना, इधर सवाल में तो सेमी दिया हुआ है और लास्ट में जो उत्तर है ना उसमें इन्होंने वर्ग मीटर दिया हुआ है, ये फर्क है थोड़ा सा, हो सकता है हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हो, तो आप इसको सही कर लेना अपने बुक के अंदर, जो आंसर है ना उसमें वर्ग सेमी लिख लेना बच्चों उसको, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे को सवाल में सेमी दिया और उत्तर में मीटर कर दिया, ऐसे उतारिए जल्दी से। तो ये बिल्कुल साधारण सवालों की श्रेणी में है बच्चों, यहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको देके घनाप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है, सूत्र में मान लगाइए, लंबाई चौड़ाई गुणा करते रहिए, चौड़ाई गुणा ऊंचाई करते रहिए, और इन सबको जब LB प्लस BH प्लस HL आ जाए जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए। यह था सवाल नंबर तीन।
संभवतः आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा, और अगले सवाल के बारे में सोचना बच्चों, अभी एक दो मिनट कीमती है। तो मिलते हैं एक दो मिनट के अंतराल के बाद। पुनः स्वागत है आईसीटी की लाइव क्लासेस में, लेके हाजिर हैं। सवाल नंबर चार, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। बच्चों हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ जो है ना वर्गाकार होता है, स्क्वायर होता है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारे को जो घन दिया है उसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। घन का एक पृष्ठ के कर दीजिए इसको, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हमें दिया हुआ है। कितना दिया है? 100 वर्ग सेमी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक पृष्ठ जो वर्गाकार होता है इसका मतलब भुजा स्क्वायर का मान हमारे पास में 100 है। तो भुजा का मान जब हम निकालेंगे वर्गमूल 100, और वो हुई 10 सेमी। अब यहां कर क्या रहे हैं बच्चों, सुनो इधर ध्यान दो आप लोग कि ये हमारे पास में घन था, ठीक है ना। इस घन में हमने क्या किया, यहां से बीचों बीच कट कर दिया। तो बीचों बीच इस जगह से आधार के समांतर हमने कट किया, तो जो नया घन बनेंगे ना दो पीसेज में घना बनेंगे, घन नहीं बनेंगे, उनमें केवल हाइट जो है ना हाइट वो 10 की आधी 5 हो गई। लंबाई और चौड़ाई तो 10 ही रही क्योंकि आधार के समांतर कट कर रहे, तो हाइट नए घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई यानी कि वही LBH ये तो 10 ही रही, ये 10 ही रही, ऊंचाई 5 हो गई, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका किसका, नए घनाभ का। तो नए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। बच्चों आजकल संख्या आप लोगों की कम होती जा रही है, धीरे धीरे टेंथ वाले गायब होते दिख रहे हैं हमारे को। इस जगह 10 गुना 10 नहीं आएगा बच्चों, 10 गुना 5 ध्यान रखिए, प्लस 5 गुना 10। कैसे 10 गुना 10? 10 गुना 5 5 गुना 10, तो ये हुआ 2, इधर 100
प्लस 50 प्लस 50, तो 50 और 50 को हमने जोड़ा 100, 100 और 100 200, 200 200 गुणा होकर कितना हो गया 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये उत्तर और आंसर शीट में यही है बच्चों, उतारिए जल्दी से। ये था सवाल नंबर 4। यस बच्चों, ये था सवाल नंबर 4। घन के एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का दिया गया था मान, उससे हमने उसके सामने सूत्र किया। बच्चों जब कभी भी ऐसे सवाल मिले ना, उसके सामने सूत्र कर दो, तो जो करना होगा ना वो सूत्र अपने आप कर लेगा, ठीक है। इससे हमारे को जो सवाल में दिया गया था बीचों बीच से कट कर दिया, तो हाइट यानी कि केवल ऊंचाई 10 की आधी 5 हो गई, और उससे हमने उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। अब देखिए सवाल नंबर 5, बगर ढक्कन का एक बक्सा। बच्चों ये बगर ढक्कन, आप देखते होंगे कि ढक्कन के बारे में क्यों बोला, ये अभी हाइट के बारे में एक बात आएगी बच्चों, उस समय इसका यूज होएगा कि बगर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेमी, चौड़ाई 116 सेमी और ऊंचाई 83 सेमी है, 83 सेमी। इसके अंदर की ओर से पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए, पेंट की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी है। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, और इसके बाद में जो सवाल है ना बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, सवाल नंबर 6। तो पहले तो ये पांचवा देखिए, जल्दी समझ लेंगे तो छठा हम आज ही समझा देंगे आप लोगों को। देखिए सवाल नंबर 5 में बगैर ढक्कन का बक्सा है, ठीक है। बाहरी माप हमारे को दे रखी है, हम सीधा अंदर से लंबाई निकाल रहे हैं बक्से की या संदूक की। अंदर से लंबाई, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना कि बाहर से 146 है ना, इसमें 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 क्या हुआ, क्योंकि इधर और इधर दोनों तरफ बाहर की, ये देखिए इस तरफ से अगर मैं ऊपरी टॉप, मैंने पहले भी एक बार समझाया था आप लोगों को ध्यान हो, तो ये लकड़ी है यहां पे, ये ऐसे ऐसी ये लकड़ी है, तो यहां से यहां 146 है, इधर 3 कम हुई और इधर 3 कम होगी, तो 3 और 3 6 कम होगी अंदर से, यानी वो 140 मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे ही चौड़ाई में, लेकिन ऊंचाई में केवल 3 घटाएंगे क्योंकि संदूक बगल ढक्कन का है, तो यहां पे 140 सेंटीमीटर, सभी माप सेमी में है। ऐसे ही संदूक की अंदर से चौड़ाई, तो वो बाहर से कितनी दी गई है 116 माइनस, इसमें भी 2 × 3 करेंगे 110 सेमी आई। और जहां तक अंदर से ऊंचाई की बात है, तो वो क्या किया 83 - 3 80 सेंटीमीटर। तो यहां पे अंदर से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल संदूक का अंदर से
बगर ढक्कन का संदूक है बच्चों, ये बक्सा बोला गया है, संदूक का अंदर से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, यहां ऊपर ढक्कन नहीं है, ढक्कन है ही नहीं, तो उस पर कलर पेंट भी नहीं होगा जब वो है ही नहीं। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, 2 LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू B लिख रहा हूं यहां पे, क्यों, क्योंकि ऊपर का है ही नहीं तो उसमें L इंटू B लगता है। तो यहां पे हमने 2 और इधर में L इंटू B 140 गुणा 110 प्लस 110 गुणा 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस 140 गुणा 110। तो इनको थोड़ा सा सावधानी रख के गुणा करना पड़ेगा, 15400 8800 11200 माइनस 15400। ठीक है ना बच्चों, यहां तक तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उतारिए जल्दी से, यस। तो ये तो अंदर से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो गई, कभी कभी अंदर के दे तो बाहर के लिए ज्ञात करते समय प्लस कर देते हैं। अब इसके बाद में हम इधर लिख रहे हैं 2 और इधर ये जोड़ लेते हैं। बच्चों आप लोग कभी कोई तकलीफ आए ना तो ऐसे साइड में रफ वर्क भी कर सकते हैं, उधर साइड में एक बना के जगह रफ की अलग से बना सकते हैं, नहीं तो कॉपी के पीछे पीछे भी कर सकते हैं। ये 0 0 8 और 2 10 और ये 4 14 एक असल की, ये 5 15 एक असल की, 3 5 4 0 0 तो 3 5 4 0 0 ये इन सब का टोटल हो गया माइनस 15400। आइए इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, 70800 माइनस 15400। तो ये 2 0 के तो 2 0 बच ही गए बच्चों, 8 में से 4 गए 4 बचे और 10 में से 5 गए 5 बचे और इधर रह गया 6, 6 में से 1 गया 5 बचा। तो यहां पे हमारे पास में आया 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे को इसका खर्चा भी ज्ञात करना है, क्या खर्च, और खर्च की रेट क्या दी है हमारे को, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी। तो वक्त बचाने के लिए हम डायरेक्ट खर्चा बोल रहे हैं, खर्चा निकालने के लिए 55400 इंटू तो 2 कर देंगे डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि 1000 वर्ग सेमी का बोला है उसने। तो 2 0 से 2 0 कटते हुए दिख रहे हैं। अब आप बच्चों सुनो सुनो सुनो, यहां 2 से कट मत करो इसको, क्योंकि फिर 5 से भाग देने में दिक्कत आएगी, 2 से गुणा कर दो आप। तो 1108 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 क्या कर रहा है बेचारा, पीछे से एक के बाद में पॉइंट लगा रहा है, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। 110.8 यहां पे कुछ खाली खाली सा लग रहा है तो 0 लगा सकते हो, रुपए में उत्तर आ गया। ये इतने रुपए का खर्चा है, 110 रुपए 80 पैसे में कलर पेंट हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, यही आंसर आ रहे हैं बच्चों, उतार लीजिए जल्दी से। छठा सवाल थोड़ा सा मुश्किल है हम मान रहे हैं, यस छठे सवाल के लिए हम
यहां कर रहे हैं, आप उतार लीजिए। सवाल नंबर 6 में घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है। सवाल नंबर 6 में L प्लस B प्लस H गिवन है और वो है 19 सेमी और हमारे को दिया गया है विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है। तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। ये कीमती सवाल है बच्चों, इस तरह के सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। 11 सेंटीमीटर, तो इसमें ये रूट में अच्छा नहीं लग रहा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हमने वर्ग किया, तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर हो गया। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। इनका यूज लेते हुए आपको संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल याद करना है। तो इसमें बच्चों एक आप लोगों को सूत्र याद रखना होगा जो पिछली क्लासेज में आपने पढ़ा था, वो क्या था, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। ए प्लस बी प्लस सी के रूप में भी याद कर रखा होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। वही सूत्र है, यहां पे LBH लिखा हुआ है। आइए हम ये मान लगाएं, L प्लस बी प्लस एच की जगह 19 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान हमारे पास में है 121 प्लस इनमें हमने दो कॉमन ले लिया। दो कॉमन लेते ही हमारे को ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र दिखने लग गया। दो कॉमन लेते ही, दो नहीं आएगा बच्चों उस जगह पे, दो कॉमन ले चुके हम, तो LB प्लस BH प्लस HL। अब ये यहां क्या हुआ, ये लाइन हम मिटा रहे हैं बच्चों। सवाल नंबर 6 है, यस, इसका स्क्वायर 361, इसमें से क्या आ गया, 121 इधर आके माइनस हो गया, तो 2LB प्लस BH प्लस HL ये हमने इसमें से घटा दिया, 361 माइनस 121 ये 0, इधर 4 और इधर कितना बचो, हाँ 2, तो 240 हमारे को ये प्राप्त हुआ। कौन से सवाल में, सवाल नंबर 6 में, वो हम लिख देंगे 240 बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL, बस यही उत्तर था बच्चों। आता है हमारे को जो पूछा गया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी उत्तर। ये कीमती सवाल था बच्चों, महत्वपूर्ण सवाल, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस तरह का, तो संभवतः आपने उतार भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।